तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी लोगों को ये लगा कि मैं ना चैनल से फिर से गायब हो गई हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला उसके बाद में थोड़ा सा गैप हो गया था। क्या यार, थोड़ा सा फेस्टिवल था और मेरे अपने कुछ रीजंस थे। तो उसके बाद मुझे डीएम्स आए, कसम से मुझे डीएम्स आया। उसमें था कि पैसा पैसा एमसी स्टैंड, सॉरी नुस्ता पैसा एमसी स्टैंड सॉन्ग पर रिएक्शन करो। तो एमसी स्टैंड के सॉन्ग पर रिएक्शन करना ये कोई न्यू बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट अगर कोई रैपर है तो उसका वीडियो पर रिएक्ट किया है, तो वो है एमसी स्टैंड। तो चलिए आज ये वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे हम, देखेंगे। मैंने सच में नहीं सुना ये सॉन्ग, ना ही मैंने देखा है। हाँ, पर रील्स वील्स में आया था, उतना ही पार्ट मैंने देखा है, बाकी कुछ मैंने नहीं देखा है। तो चलिए देखते हैं। नुस्ता एमसी स्टैंड नुस्ता पैसा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2023, और इसको 2 महीने हो गए आके। शायद मुझे लगता है कि बिग बॉस से आने के बाद ये वीडियो आया होगा, फर्स्ट ये वीडियो एमसी स्टैंड का आया होगा। तो अगर ये मतलब मेरे को नहीं पता इतना, मैं पता नहीं मैं मेरा दिमाग कहाँ चलता रहता है, पर मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। तो करते हैं स्टार्ट। फिर क्या बोलती कंपनी, सब कुछ आया भाई, लोग सब कुछ आए। क्या बोलते इकड़े रे, अरे वाह इकड़े रे। ओहो केले। आगे जाने चाहते लोग, मैं जाना चाहता पीछे। क्यों मैं एक को सब लोग हो जाएंगे पीछे, बीच में तेरे होमी का गिर गए लव विकेट। स्मोक करूं देखो जैसे पॉप स्मोक विषय, फोकस करूं पैसे पे आती उससे पीछे। हाथ छोड़ो सेफ जब भी ऑफ लोग दिखे, पुल अप करूं शिट जब भी कॉप लोग दिखे। एडी की वो ले रहा था, मैंने बोला ठीक है। एडी की अपने साथ साधु को जादू, सबको साए सबको साए। क्या बोल दी कंपनी, तुम लोग खुद को मालूम क्या इशे क्या ना इस साउंड टक में।
कैसी आवाज है लास्ट में भाई, क्या है ये? हो ओके, इतने खुन्नस से देखा कि बाप रे। अच्छा अनुष्का पैसा, ये ना सॉन्ग इतना मतलब ये थोड़ा सा स्लो, ये ना थोड़ा सा स्लो है, तो ना मेरे को थोड़ा पिछले टाइम के जैसे ऐसे समझने में दिक्कत नहीं हुई। मेरे को समझ गया है कि एमसी स्टैन क्या कहना चाहता है, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ये डिस सॉन्ग है, तो ये किसके लिए डिस है वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे बोल दिया है, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट आ ही जाएगी। पर अगर सच में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तभी मेरे को यकीन होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी उड़ती उड़ती खबर या फिर किसी का वीडियो आया था, देख लिया था, तो फ्रेंड्स ने बोला था, इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, तो वैसे है। अगर किसको बोला है वो मुझे जानना है तो मुझे बताना। और नुस्त पैसा मीन्स सिर्फ पैसा, तो मराठी वर्ड है नुस्ता पैसा, नुस्ता करके, तो सिर्फ, नुस्ता का मीन्स है सिर्फ। और बाकी इसमें बहुत सारा मराठी वर्डिंग है, बहुत सारा है। और मैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना भूल गई कि हेडफोन्स जरूर लगा लेना, ठीक है? तो इसमें क्लियर मराठी वर्ड में बहुत गंदी गंदी गालियां है, तो आप चार लोगों में बैठोगे ना तो थोड़ा सा ये हो जाएगा क्या सुन रहा है क्या, अगर किसी को पता नहीं होगा तो उसे ऐसा लगेगा क्या सुन रहा है करके। पर बहुत गंदी गाली है मेरे को लास्ट, मतलब जब मैं वीडियोस बनाती थी तब मेरे को थोड़ा थोड़ा आदत हो गया था गाली गाली वाली सुनने का। अब बीच में 7 महीने से मेरे को गाली सुनने का आदत नहीं है, रोस्टिंग वीडियोस में वगैरह भी इतना भी नहीं होता है, पर ये सॉन्ग में ना भर भर की गाली दी है। और जैसे कि नुस्ता पैसा कहा है, तो मेरे को लगता है ऐसा कि थोड़ा आउटडोर शूट होता था ना फॉरेन में वगैरह, जैसे कि जकूजी और बड़ी बड़ी कार्स और रॉयल्टीज शो ऑफ, और वैसा कुछ होता था तो और ज्यादा मीनिंगफुल लगता था कि नुस्ता पैसा पैसा सॉन्ग में पूरा टाइम ही पैसा, सॉन्ग में सच में आजू बाजू में सिर्फ पैसे ही पैसे दिख रहे। पर हाँ वो भी तो हो सकता है, मैं क्या बोल रही हूँ यार, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। आई थिंक मुझे अभी सो जाना चाहिए। और ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत अच्छा था यार, इसकी वाइब बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बेसिकली मेरे को मराठी, मैं मराठी हूँ तो मेरे को मराठी समझने में इतनी खासी दिक्कत होती ही नहीं है, तो नहीं हुई वैसे तो, मेरे को एकदम से पता चला। और गाना कितना भी अच्छा हो ना, अगर उसमें गाली है ना तो वो गाली ट्रिगर कर जाती है, वो याद रह जाती है। और इतनी गंदी गाली किसको दी है मेरे को जानना है, तो मेरे को कमेंट्स में, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियोस पर भी रिएक्ट करूँ, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, ठीक है? बाय बाय।